नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। एग्जिट पोल सामने आने के बाद से राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में राजनीतिक दलों के कार्यालयों में लोगों की मनोदशा प्रभावित हुई है। बीजेपी जहां इससे काफी खुश है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों में उत्साह कम नजर आ रहा है। वहीं राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश में सरकार बदलने पर बड़ा दांव लगाया जा रहा है। एक सट्टेबाज ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में सरकार बदलना एक बड़ी घटना होगी। सट्टा बाजार का मानना है कि साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 114 और बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। उस दौरान बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए काफी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई और कांग्रेस के कमलनाथ ने सरकार बनाई। उस वक्त सट्टा बाजार भौचक्का रह गया था, लेकिन अब हमारा गणित कह रहा है कि वे कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। सट्टा बाजार का मानना है कि अब हमारे शोध के नतीजे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए हर समीकरण को आजमाएगी। सटोरिये का कहना है कि इस परिवर्तन पर हम बड़ा दांव लगा रहे हैं। सट्टेबाज कमलनाथ सरकार के जारी रहने पर 10 रुपए लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी सरकार पर भाव 1 रुपए है। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के साथ राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर भी सट्टेबाजी चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अगर लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो कांग्रेस के दूसरे धड़े का वर्चस्व बढ़ जाएगा। इससे अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर संकट आ सकता है। और अगर मार्केट रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। फलोदी सट्टा बाजार के सट्टेबाजों की माने तो बीजेपी की लहर इस बार 2014 से ज्यादा है और मतदाताओं ने चुनाव तिथि की घोषणा के बाद ही अपना मन बना लिया था। वे शांत रहे, लेकिन मोदी को वोट देने में निर्णायक रहे। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास मजबूत विकल्प नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्केट रेट पिछले कुछ माह से 0.3 पैसे से 0.2 पैसे के बीच चल रहा है। इससे साबित होता है कि वो दोबारा सत्ता में लौट रहे हैं। बता दें कि 3 एग्जिट पोल में बीजेपी नीत राजक को 300 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान जताया है, वहीं 2 अन्य ने सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने का अंदाजा लगाया है। 7 चरणों में संपन्न हुए आम चुनाव में कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को कई पार्टियों ने सोमवार को आराम करने का मौका दिया, लेकिन दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का आराम हराम हो गया है क्योंकि 23 तारीख की जश्न की तैयारी चल रही है।